हेलो दोस्त, आज हम फिर लेकर आए हैं मेंसुरेशन के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। तो आप लोग बुक निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन हमको दिखाना संभव नहीं है। तो आप लोग किताब निकाल लें। जी, अब किताब का नाम क्या है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, हाई स्कूल प्राथमिक गणित, जिसको आप लोग भारती भवन बोलते हैं। इसमें हम बता रहे हैं मेंसुरेशन का वृत्त हम खत्म कर दिए हैं। घन, घना, बेलन, शंकु, गोला से संबंधित प्रश्न हम बता रहे हैं, 10 तक बता चुके हैं। 11वां आज स्टार्ट करेंगे। बता देना चाहते हैं हम यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोण और त्रिकोणमिति में जो प्रूफ डेट था वो सब क्वेश्चन डाल चुके हैं। तो आप मेरा जब फोटो पर क्लिक कीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो लगभग हम 150 से अधिक वीडियो क्लास 10th का हम डाल चुके हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट, हिंदी का, साइंस, गणित, यानी पाँचों सब्जेक्ट का मॉडल सेट का कम्प्लीट सोल्यूशन वो काफ़ी अच्छी तरीक़ा से दिए हैं। तो आप लोग जाएँ, फोटो पर क्लिक करें और जाएँ प्लेलिस्ट में, और वीडियो का इंजॉय करें, और बिना टेंशन का पढ़ाई करें, और परीक्षा में मॉडल से सोल्यूशन देख के जरूर जाएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, किताब आप लोग निकाल लें। लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है। लोहा का एक टुकड़ा है, कैसा है, तो लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है, जिसका व्यास 1.5 मीटर है। दिया गया है व्यास को, हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, व्यास दिया हुआ है 1.5, तो त्रिज्या कितना होगा, 1.5 का हाफ होगा। ठीक है ना, इसको बदलेंगे तो दशमलव बोली क्या होगा, दशमलव बोली नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 10। दशमलव बोली एक, दशमलव बाद एक अंक, तो उसके बोली 1, 0। ठीक है ना, इसको जब और क्या बोल रहा, आगे बढ़ते हैं, और लंबवृत्तीय और लंबाई 3.5 मीटर। ठीक है ना, लंबाई 3.5, एक बेलन है, मान लो ये बेलन है। ठीक है ना, इसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना, व्यास दिया हुआ कितना, 1.5, व्यास है 1.5, तो त्रिज्या होगा 1.5 का हाफ, और लंबाई, ये लंबाई, लंबाई को हम ऊंचाई बोल सकते हैं, तो लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर इस टुकड़े को पिघलाकर, हम बोले थे जब भी पिघलाकर बोलेगा तो आयतन निकालना है, पिघलाकर जब भी आएगा बोलेगा तो आयतन निकालना है। ठीक है ना, इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ के रूप में बनाया गया है, जिसकी आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है। चलो इसको हम छड़ बना रहे हैं, तो ये तो बेलन मोटा है, तो छड़ क्या होगा, पतला होगा। ठीक है ना, छड़ बनाया है, लेकिन यहाँ जो आधार इसका है, वो आधार इसका जो है, यहाँ पर वृत्ताकार नहीं है, इसका जो आधार है वो क्या है, इस तरह वर्गाकार है। क्या है, तो यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ भी होगा वर्गाकार, वर्गाकार है। ठीक है ना, बनाया गया है जिसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, और इसका जो ये है, जो इसका भुजा कितना है, जो वर्गाकार जो यहाँ पर आधार है, इसका भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर। क्या है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है। तो छड़ की लंबाई ज्ञात करें, छड़ की लंबाई हमको बताना है। तो हम जानते हैं कि जब एक एक पदार्थ को या एक वस्तु को गलाकर दूसरे वस्तु में बदलते हैं, तो उसका आयतन कभी चेंज नहीं होता है, यानी जितना इस बेलन का आयतन होगा उतना ही वर्गाकार छड़ के आयतन होगा। तो चलो अब हम सोल्व करते हैं, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलो दो अति 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो कितना आ रहा है, 3 3/4, तार बराबर आ गया, 3/4 आ गया है। और बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 3.5, 3.5, चलो इसको हम सोल्व करेंगे, तो 3.5/10, दशमलव हटाएंगे तो बाद नीचे 10 आएगा, काट देंगे 5 से, तो 5 से 35, 5 दूनी 10, 7/2 आया है। अब हम जानते हैं कि इसी को हम इसमें गला कर बदले हैं, तो दोनों का आयतन समान होगा, यानी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, वर्गाकार छड़ का आयतन, वर्गाकार छड़ का आयतन। सिंपल है, बेलन का आयतन क्या होता है, π r² h। ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान देना, ये वर्गाकार छड़, इसका जो आधार है वर्ग है, क्या है, वर्ग है, वर्ग है, इसलिए ये जो है बेलन नहीं होगा, जब इसका आधार वृत्ताकार होता तब ये बेलन होता, लेकिन यहाँ पर इसका आधार क्या, वर्गाकार है, तो वर्गाकार है तो इसका लंबाई होगा वर्ग का, चौड़ाई होगा, और लंबाई चौड़ाई वर्ग का बराबर होता है, और ये हो गया ऊंचाई, यानी ये किसका निर्माण कर रहा है, घनाभ का बना रहा है, लंबाई भी है चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, यानी घनाभ बना रहा है। ठीक है ना, इसलिए वर्गाकार छड़ का आयतन जो है वो हो जाएगा घनाभ का आयतन, यानी LBH, क्या होगा, LBH। यहाँ समझे आप लोग, यहाँ अच्छा समझना है। अब पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 रखें। आर का मान कितना है, 3/4, तो 3/4 को 2 बार लिखना है, 3/4 × 3/4। एच कितना है, 7/2 का 7/2। एल, इसमें लंबाई चौड़ाई, क्योंकि यहाँ पर वर्गाकार है, वर्ग का निर्माण करते, वर्ग का सही भुजा बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होगा, लंबाई भी 5, चौड़ाई भी 5, लंबाई भी
ठीक है ना। और h हमको पता नहीं है, h निकालना है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि जहाँ पर ये सब त्रिज्या यहाँ पर मीटर में है, ऊंचाई यहाँ पर मीटर में है, लेकिन वहीं पर ये जो जो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है ये मीटर में नहीं है, ये क्या है सेंटीमीटर में है। तो इसको हम जब मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से भाग देंगे, समझ रहे हैं ना। 100 से भाग क्यों दिए, क्योंकि ये सभी मेरा जो है ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या मीटर में है, और यहाँ पर जो छर का वर्गाकार जो है, इसका भुजा जो है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम मीटर में बदलने लिखा कि 100 से भाग दिए हैं, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो एच का मान निकल जाएगा। चलो सोल्व करो, 5 से डायरेट काट दो, इसको काटेंगे 5 से कितना बार कट जाएगा, तो 20 बार में, 5 से 20 बार में। अब इसको सोल्व करेंगे तो एच सोल्व करो, 7 से 7 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब एच को हम सिर्फ इधर रखें, बाकी इधर भेज दो सबको, तो 22 गुना 3 गुना 3 और 20, ये नीचे ऊपर आएगा 20 गुना 20, और नीचे जो है 4 का 4, 2 का 4, 4, 2। अब 4 पचे 20, 4 पचे 20, 2 से 11 बार में। अब सबको गुना कर दो, गुना करेंगे तो अगर तिया 33, 33 तिया 99 और पचे 25, तो 99 गुना 25 करो तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4 49, 9 दुनिया 18, 9 दुनिया 18 एक बकिया 19, 0 5 9 8 17, उसके बाद 9 4 13 एक बकिया 14 एक बकिया, तो 2475। तो एच बराबर मेरा कितना आ रहा है, एच बराबर आ रहा है 2475 मीटर, जो छर का जो निर्माण किए हम गलाकर, ये 2475 मीटर छर की लंबाई होगी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और बता देना चाहते हैं जो हम सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं, मेरा टेलीग्राम का चैनल का नाम है जगदेव क्लासेस, आप लोग टेलीग्राम को इंस्टॉल करें और उस टेलीग्राम में जाकर जगदेव क्लासेस सर्च करें तो मेरा चैनल आ जाएगा, जो ये बता रहे हैं इसका हम फोटो जो है टेलीग्राम चैनल पर अपना डाल देंगे, ठीक है ना। और फिर लास्ट में जब सभी समाप्त हो जाएगा, पूरा ये मेंसुरेशन समाप्त हो जाएगा, तो सभी का हम एक साथ PDF बनाकर फिर हम अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा समझना है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग समझ आते तो कोई हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है ना। 12 का 1 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक घनाकार लकड़ी के एक फलक। तो आप लोग कल्पना यहाँ पर करना है, जो बोलेगा वही कल्पना है, घनाकार लकड़ी ले लेना है, ठीक है ना, बक्सा के जैसा लकड़ी वो, लेकिन घनाकार होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक घनाकार लकड़ी के एक फलक से एक अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार काटा जाता है, यानी समझ लो कि आपके सामने एक लकड़ी है घनाकार है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, उसमें हम गड्ढा कर रहे हैं, यानी कटोरा जैसा गड्ढा कर रहा है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि से एक अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार काटा जाता है कि अर्धगोला का व्यास एल घन के किनारे के बराबर, जितना घन के किनारे के लंबाई, घन के किनारे के भुजा की लंबाई है, ठीक है ना, उतना ही क्या है जो कटोरा हम काट रहे हैं, एक लकड़ी है घनाकार उसमें हम कटोरा बना रहे हैं, तो उसका ही व्यास घन के भुजा के बराबर है, ठीक है। तो शेष ठोस का परिक्षेत्रफल ज्ञात करें, परिक्षेत्रफल क्या होता है ये बता देते हैं, परिक्षेत्रफल होता है जो हमको बाहर से जो जितना क्षेत्र दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं परिक्षेत्रफल, क्या बोलते हैं परिक्षेत्रफल, ठीक है ना। तो पूर्ण परिक्षेत्रफल में क्या होगा, बाहर से इतना भी क्षेत्रफल जितना भी सतह हमको दिखाई दे रहा है वो होगा पूर्ण परिक्षेत्रफल, और वक्र परिक्षेत्रफल में क्या होगा, वक्र परिक्षेत्रफल में जो वक्र है सिर्फ, यानी जो टेढ़ा है सिर्फ वो होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ये हम बना दिए बेलन, क्या बना दिए बेलन बना दिए, चलो अच्छा बनाते हैं बेलन बना दिए, ठीक है ना। तो इसमें पूर्ण परिक्षेत्रफल क्या होगा, पूर्ण परिक्षेत्रफल होगा क्या, ये जो बेलन आप लोग देखते हैं, ड्रम देखते हो घर में, तो चदरा जो होता है, जो दीवार होता है सिर्फ वो लेंगे, सिर्फ दीवार लेंगे चदरा लेंगे तो वो होगा वक्र परिक्षेत्रफल, क्योंकि वो टेढ़ा है क्या, ऐसे जाकर घुमा हुआ रहता है, ऐसे घुमा हुआ रहता है, तो दीवार लेंगे तो वो सिर्फ दीवार लेंगे तो वो क्या होगा वक्र परिक्षेत्रफल, टेढ़ा वाला सिर्फ वक्र परिक्षेत्रफल लेंगे। पूर्ण परिक्षेत्रफल जब हम बोलेंगे तो वो आप लोग के घर में ड्रम है तो उसको देखें, तो उसका दीवार है वो तो लेवे करेंगे, वक्र परिक्षेत्रफल तो लेंगे ही, साथ में जो ऊपर में प्लेट लगा हुआ वो तो टेढ़ा नहीं है, ऊपर में जो ढक्कन लगा हुआ वो तो टेढ़ा नहीं, वो क्या है चपटा, मतलब ऐसे रखा हुआ है सिर्फ, ठीक है ना, तो वो तो टेढ़ा नहीं है, तो साथ में जो ढक्कन है वो भी लेंगे, साथ में जो नीचे इसका सतह है नीचे, तो वो भी तो क्या है, वो भी वृत्ताकार होता है, वो तो टेढ़ा नहीं होता है। तो जब हम दो ये और ये और साथ में इसका दीवार को शामिल कर लेता तो उसको बोलते हैं पूर्ण परिक्षेत्रफल। बाहर से हमको इतने ही सिर्फ दिखाई दे रहा था, तो ये दिखाई दे रहा था, तो ये दिखाई दे रहा था और ये दीवार दिखाई दे रहा था, उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं क्षेत्रफल। जब टेढ़ा वाला लेंगे सिर्फ दीवार लेंगे तो वक्र परिक्षेत्रफल दोनों भी शामिल कर लेंगे तो क्या होता है पूर्ण परिक्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यही समझना है, तो क्षेत्रफल मतलब होता है जो बाहर से हमको दिखाई दे रहा है। तो चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये घनाकार लकड़ी पहले बनाते हैं, ठीक है ना, अच्छा समझना है आप लोग को।
घनाकार लकड़ी में क्या होता है, घनाकार यानी उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होगा। अच्छा घन किससे बनता है, घन बनता है किससे, वर्ग से, और घनाभ बनता है किससे, आयस से, ठीक है ना। तो ये आप लोग जानते ही होंगे। चलो अगला, ये बना दिए हम घनाकार लकड़ी। तो आप लोग कल्पना करना है कि यहाँ पर एक लकड़ी लिए है ये घनाकार, इसी प्रकार आप लकड़ी ले लिए हैं, ठीक है ना, जो भरा हुआ है, ठीक है ना, यानी खोल नहीं है, बीच में खोल नहीं है, ठीक है। इस प्रकार आप एक लकड़ी लिए, कल्पना कीजिए। अब यहाँ क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर एक कटोरा काट रहे हैं आप लोग, यानी यहाँ पर गड्ढा कर रहे हैं कटोरा जैसा आकार का। जब कटोरा ऐसे आकार का गड्ढा करी कीजिएगा तो क्या करेंगे, इससे कुछ लकड़ी निकलेगा। इस प्रकार हम कटोरा ऐसा गड्ढा कर रहे हैं। अच्छा हम यहाँ पर जब गड्ढा करें, कटोरा ऐसा जब गड्ढा कर रहे हैं, तो इसको हम चारों भुजा में क्यों सटा दें, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि जितना इस भुजा की लंबाई है उतना इसका क्या है, व्यास है, यानी दोनों को, इसलिए हम सभी भुजा में ये जो वृत्त बनाए यहाँ पर सटा दिए, क्योंकि जितना इसका घन के भुजा की लंबाई उतना ही क्या है, व्यास है। व्यास कितना दिया हुआ है, एल, ठीक है ना। यानी यहाँ पर दिया गया है क्या, दिया गया है क्या, कि जितना भुजा, जितना इस अर्धगोला का व्यास यानी एल दिया गया है उतना ही क्या है, घन का भुजा की लंबाई, इसलिए हमको सटाना पड़ा सभी भुजा में। अब हमको क्या करना है, इसका पृच्छेदपन निकालना है। पृच्छेदपन में हमको क्या दिखाई देगा, तो अगर हम मान लो कटोरा नहीं रहता तो हम क्या देखते, चार पृच्छेदपन क्या लगाते हैं, छः गुना भुजा स्क्वायर। लेकिन कटोरा आने पर क्या हुआ, कटोरा आने पर यहाँ से जो है ये जो फलक इतना जो बचा हुआ है ये कट के निकल गया, तो देखो हम पृच्छेदपन निकालें, क्या निकालेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृच्छेदफल हम क्या करते, अगर ये कटोरा नहीं रहता तो पृच्छेदफल हम क्या करते, घन का कुल पृच्छेदफल डायरेक्ट लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, घन का कुल पृच्छेदफल डायरेक्ट लिखते हैं। लेकिन ये कटोरा आ जाने पर क्या हुआ, इतना भाग जो है ऊपर वाला जो जो वृत्ताकार है तो कट के निकल जाएगा, यहाँ तो लकड़ी बचेगा नहीं, यानी तो ये माइनस करेंगे, क्या करेंगे, वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल, किसका वृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धगोला के वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। और साथ में जब यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा तो ये कटोरा का दीवार बन जाएगा, कटोरा का दीवार तुमको दिखाई देगा, कल्पना करो आप काटे हैं तो इस तक गड्ढा वाला कटोरा का दीवार आपको दिखाई देगा। तो कटोरा का जो सिर्फ जो दीवार दिखाई दे रहा है तो ये क्या है, टेढ़ा है, यानी इसका ये कटोरा जो है अर्धगोलाकार है, इसका क्या लेना पड़ेगा, वह पूरी क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है ना, तो अर्धगोला का वक्र परिच्छेदफल, अगर ये आप कल्पना करना सीख गए हैं तो काफ़ी अच्छा बना लीजिएगा, ठीक है ना, परिच्छेदफल, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी होता है, वो सोच ही नहीं सकता है, ठीक है। अब घन का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, आप लोग सब जानते हैं, छः गुना भुजा स्क्वायर होता है, छः गुना भुजा स्क्वायर, और ये जो कट के निकल गया ऊपर वाला वृत्त उसको माइनस कर रहे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग सब जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब जब कट कीजिए निकल गया तो इतना दूर गड्ढा हो जाएगा, तो गड्ढा तुमको दिखाई देगा, तो गड्ढा कैसा है, टेढ़ा होगा, गड्ढा क्या होगा, टेढ़ा होगा, इसलिए तो टेढ़ा है, इसलिए टेढ़ा बोलते हैं वक्र। तो अर्धगोला का वक्र परिच्छेदफल क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं अर्धगोला का वक्र परिच्छेदफल क्या होता है, टू पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का पूर्ण परिच्छेदफल क्षेत्रफल क्या होता है, थ्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखो यहाँ पर छो का छो, अब भुजा कितना दिया हुआ है, एल, क्योंकि घन के भुजा की लंबाई उतना है जितना व्यास है, ठीक है ना, तो भुजा कितना है, एल, चलो एल लिखे हैं, एल लिख दिए हैं, और ये क्या है, एल मेरा क्या है, व्यास है, तो त्रिज्या कितना होगा, एल मेरा क्या है, व्यास, क्योंकि व्यास बराबर था घन का भुजा, तो त्रिज्या कितना होगा, एल बाय टू। तो जहाँ पर त्रिज्या मांगेगा वहाँ पर एल बाय टू लिखेंगे, पाई का पाई लिखो, एल यहाँ त्रिज्या मांग रहे थे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल बाय टू, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस टू का टू, पाई का पाई, यहाँ पर एल बाय टू, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, अब कुछ नहीं करना है। छः गुना भुजा स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं दिए, सिक्स एल स्क्वायर यहाँ होगा, माइनस का माइनस, यहाँ होगा पाई एल स्क्वायर बाय फोर, प्लस टू पाई एल स्क्वायर बाय फोर। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो कॉमन हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एल स्क्वायर सभी में है, तो एल स्क्वायर कॉमन होगा, ठीक है। अब एल स्क्वायर सभी में था तो एल स्क्वायर हम क्या किए, कॉमन ले लिए हैं, जैसे ही एल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर छः, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आपका पाई बाय फोर, और यहाँ बचेगा आपका एल स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो टू पाई बाय फोर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो एल स्क्वायर का एल स्क्वायर, चार का यहाँ कोई नहीं तो एक है, तो एक चार चार का एलसीएम ले लें आप लोग, तो कितना होगा, चार होगा, एक से चार में आप लोग भिन्न का जोड़ घटा तो अच्छा जानते होंगे, एक से चार में भाग देंगे चार, चार से छः में गुणा करेंगे चौबीस, भिन्न का घटा जोड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, चार से चार में देंगे तो कुछ नहीं, पाई आएगा, यहाँ पर चार से चार कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा टू पाई आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको एल स्क्वायर का एल स्क्वायर, ए फोर का फोर लिख दिए यहाँ पर बाहर में, और यहाँ पर देखो ट्वेंटी फोर का ट्वेंटी फोर आएगा, और एक माइनस में पाए एक टू प्लस में टू पाए, तो प्लस में टू पाए में से एक पाए माइनस हो जाएगा, तो कितना पाए बचेगा, एक ठो पाए बचेगा, प्लस में एक ठो पाए बचेगा, और यही आंसर आप लोग का प्राप्त हुआ।
तो इस तरह क्वेश्चन इसमें हम तो काफ़ी टाइम देंगे आप लोग को समझाने के लिए, पिक्चर समझाने के लिए हम काफ़ी टाइम देंगे कि किस तरह सोचना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन आएगा तो उतना टाइम नहीं देंगे, ठीक है ना, फटाफट आप लोग को सोचना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बुक साथ में रखें। अगला क्वेश्चन है 12 का 2। अब क्या बोल रहा है कि घनाकार लकड़ी है, चलो फिर एक लकड़ी उसी प्रकार है, लेकिन उस समय हम क्या किए थे 12 के 1 में, कटोरा काट के निकाले थे एक ठोस घन के लकड़ी से, लेकिन अब क्या कहना है, ठोस घन के लकड़ी उसको रख देना है और उस पर एक कटोरा को ऊपर से रख देना है, यानी काट के नहीं निकालना, अपने कटोरा को उस पर रख देना है, ठीक है ना। कल्पना करो, जितना आप कल्पना करेंगे उतना ही आप लोगों का मेंसुरेशन मजबूत होगा, ठीक है। चलो एक घनाकार लकड़ी लेते हैं, ये घनाकार लकड़ी है, आप लोग जानते हैं घन घन किससे बनता है, वर्ग से, वर्ग का चारों भुजा क्या होता है बराबर, इसलिए घन का भी सभी भुजा क्या होगा बराबर, यानी घन का भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगा बराबर। और आयत किससे बनता है, सॉरी घनाभ किससे बनता है, आयत से, आयत का लंबाई चौड़ाई अलग होता है, इसलिए घनाभ का भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होता है। अब देखो क्या किए थे, उस समय हम कटोरा इस काट के निकाले थे, ठोस घन था, ठोस लकड़ी था, उससे कटोरा क्या किए थे मशीन द्वारा काट के निकाल लिए थे। अब क्या करना है, एक ये ठोस घन लकड़ी का वो तो ठीक है, एक लकड़ी का कटोरा लेना है, जैसे मान लो ये हम लकड़ी कटोरा लिए, और ये भी क्या है लकड़ी का ठोस कटोरा है, उसको यहाँ पर ऊपर रख देना है, क्या करना है रख देना है, ठीक है ना। लेकिन रखने से पहले ये ध्यान देना है कि ये जो ब्रीथ है ये सभी भुजा में सटेगा, अगर घन का भुजा और इसका व्यास दोनों बराबर है तो सभी भुजा में सटाकर हमको कटोरा रखना पड़ेगा। तो लेकिन आगे पढ़ने पता चलेगा, क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, चलो आगे पढ़ते हैं। यदि घन के किसी पृष्ठ पर एक अर्धगोला को स्थापित कर एक सजावटी ब्लॉक बनाया गया है, यदि घन का किनारा 5, चलो घन का किनारा 5 है, सब 5 है, ठीक है ना, यानी सभी भुजा इसका 5 हो गया है, और अर्धगोला का व्यास 4.2, देखो इसका लंबाई कितना है 5 है, लेकिन अर्धगोला का व्यास 4.2 ही है, यानी किसी भी भुजा में ये नहीं सटेगा क्योंकि इसका व्यास कम है, यानी चलो बीच में कहीं पर रख रहा है, ठीक है ना, ये कटोरा यहाँ पर हम रख लें। ठोस घन समझ ना, लकड़ी का ठोस घन है, यानी लकड़ी खोखला नहीं है, ठोस है, और ये भी क्या लकड़ी का ही बना हुआ है, इस पर हम एक ठो कटोरा रख रहे हैं, ठीक है ना। चलो कटोरा, ये हम कटोरा रख दिए हैं, सटाए सभी भुजा में क्यों नहीं, क्योंकि 4.2 है, इसका 5 है, सटेगा नहीं क्योंकि ये कम है, ठीक है ना। तो ब्लॉक का पूरी छत पर क्या होता है, देखो क्या दिखाई दे रहा है, अगर ये कटोरा रखा हुआ नहीं रहता फिर पूरा छत पर यानी जो हमको बाहर से दिखाई दे रहा है वही होता है छत पर, ठीक है ना। तो क्या दिखाई देगा, कटोरा ये नहीं रहता तो क्या दिखाई देता हमको, ये घन का सभी सतह दिखाई देता है, घन का छतपर क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। लेकिन कटोरा आने पर हमको क्या नहीं दिखाई देगा और क्या अतिरिक्त दिखाई देगा ये सोचना है। तो कटोरा आने पर ये तो घन का सभी सतह दिखाई देगा, लेकिन ये जो कटोरा द्वारा ये लकड़ी के जो अर्धगोला ठोस है ये यहाँ पर आ गया, तो ये क्या कि इतना भाग को ये ढक लिया है, इतना ढक रही, तो ये दिखाई तो नहीं देगा, जिसको हमको माइनस करना है, यानी ये वृत्त जो बन रहा है अर्धगोला द्वारा इसको हमको माइनस करना है, और क्या दिखाई देगा, ये कटोरा जो ऊपर रखा गया है, कटोरा जैसा अर्धगोलाकार जो यहाँ पर कटोरा जैसा है, इसका दीवार तो दिखाई देगा, जब कटोरा ऐसे रख दोगे तो उसका दीवार तो ऊपर से दिखाई देगा चारों तरफ से, तो टेढ़ा वाला जो दिखाई देगा, दीवार कैसा होता है टेढ़ा होता है, ठीक है ना, तो टेढ़ा वाला दिखाई देगा, यानी कटोरा का वह पूरी छत पर हमको जोड़ना है। अगर आप लोग इतना समझ गए तो एक हिसाब ये जो आंस किताब हिसाब है काफ़ी ईजी है। चलो देखते हैं, तो पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कुल छतफल, क्योंकि छतफल पूछ रहा है, तो कुल छतफल क्या, घन का कुल छतफल माइनस क्या करना, क्या दिखाई नहीं देगा, ये जो कटोरा द्वारा जो हम भाग ढक दिए हैं घन का वो दिखाई नहीं देगा, यानी माइनस करेंगे क्या, वृत्त का छतफल, किसका वृत्त का छतफल, तलगोरे के वृत्त के छतफल को हम माइनस करेंगे, और फिर प्लस क्या करेंगे, ये जो कटोरा वाला जो है ये दीवार जो टेढ़ा जबला है ये तो दिखाई देगा, यानी सिर्फ दीवार दिखाई देगा, दीवार दिखाई देता, दीवार कैसा क्या होता है कटोरा, कटोरा लेकर सोचो, ठीक है ना, तो दीवार कटोरा क्या होता है टेढ़ा होता है, टेढ़ा होता है यानी वक्री छतफल, तो वो दिखाई देगा, इसलिए अर्धगोले का वक्री छतफल हमको जोड़ना पड़ रहा है। इस तरह कल्पना करो, इस हिसाब में कोई दम नहीं है, इसमें स्टूडेंट कल्पना ही नहीं कर पाता इसलिए उसको हार्ड लगता है, ठीक है ना। अब देखो बना दो फटाफट, तो घन का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² और गोला का क्षेत्रफल क्या होगा, अभी बताया था 2πr² और गोला का पूर्ण परिक्षेत्रफल बोलेंगे तो 3πr², ठीक है ना। अब चलो इसको बनाना है, अब देखो यहाँ पर दिया है कितना, 6 गुना भुजा कितना दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पर आप लोग कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी पाई है πr², यहाँ भी πr² है, कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, चलो कॉमन ले लेते हैं πr², जैसे ही πr² कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा माइनस, यहाँ πr² बाहर कर लिए तो कुछ नहीं तो 1 और माइनस का माइनस, यहाँ πr² बाहर कर लिए तो प्लस 2 का 2, समझ रहा है ना। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो इसका व्यास,
ये कटोरा जो था इसका व्यास था 4.2, यानी डी बराबर कितना था 4.2, तो आर बराबर कितना क्या होगा इसका, आधा होगा, ठीक है ना, यानी आर का मान होगा 2.1, तो आर का जहाँ पर हमको 2.1 रखना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25 होगा, माइनस का माइनस, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, आर के यहाँ पर क्या रखेंगे 2.1 रखेंगे क्योंकि ब्याज था 4.2, तो उसका आधा होगा 2.1 स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पर प्लस दो में से एक जाएगा, यहाँ प्लस टू माइनस में तो घटेगा, प्लस दो में से एक जाएगा तो प्लस में एक बचेगा, और यहाँ पर क्या है छोटी ब्रैकेट यानी गुणाक होगा, ये दोनों के बीच में कोई चीज नहीं तो गुणा होगा, और दो में से एक जाएगा तो एक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करते हैं 6 × 25 माइनस, या इसको डायरेक्ट लिख दो 25 × 6 का क्या होगा 25 × 6 का 150, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम 150, ठीक है ना, और माइनस का माइनस, अब 22/7 का 22/7, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4.41, क्योंकि 21 क्या होता है 4.41 441 होता है, और एक दशमलव गुना आप लोग जानते हैं ना 2.1 गुना 2.1 की जगह तो 441 आएगा, और दशमलव एक अंक के बाद दशमलव एक के बाद दशमलव कितना अंक के बाद हो गया दो अंक के बाद होता है, दो अंक के बाद दशमलव, ठीक है ना। अच्छा हम दशमलव इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, दशमलव बल्ली एक, दशमलव दो अंक तो 2, 0, और गुना एक नहीं लिखेंगे क्योंकि एक से गुना करने पर वही कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आता है, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करो तो 7 से ये कट जाएगा, 7×5=35, और यहाँ पर है 44, तो कितना बच गया, 35 हम काटे तो कितना बच गया, तो 35×44 कितना 9 बच रहा है, और 9 यहाँ दे दो तो 91 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी गलती हो गया, 7×6=42, 7×6=42, 42 खिलाएं तो 2 बच गया, 2 यहाँ आएगा क्या होगा 21 हो जाएगा, तो 7×21 तो 63 आ रहा है, कितना आ रहा है 63। अब इसको सोल्व करो 150 माइनस 22×63 करो तो 63×22, 3×2 = 6, 6×2 = 12, फिर उसी प्रकार गुना करो 6×6=2×8=2×1=3=1, कितना आ रहा है 13×86, और नीचे से 100 का 100। अब इसको सोल्व करो 150 माइनस, अब देखो डबल सुनना है तो 100 से भागा देंगे इसमें, तो 2 अंक जितना सुनना उतना अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ 200 तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 13.86, ठीक है ना। अब 150 में से 13.86 घटा दो तो वो आंसर आ जाएगा, तो घटाना कैसे है ये देखना है आप लोग को, घटाना कैसे है तो ऐसे कैसे घटाएंगे, सॉरी एग्जाम को गलती कर दी, क्या गलती की यहाँ ध्यान दो आप लोग, देखो यहाँ जब पायर स्क्वायर हम कॉमन लिए, ठीक है ना, पायर स्क्वायर हम कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1, और ये माइनस को हम अंदर ले लिए हैं तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस तो ये जो माइनस था वो अंदर आ गया है, तो यहाँ हर जगह क्या होगा प्लस होगा, ठीक है ना। अब इसको जोड़ दो, 150 में 13 जोड़ेंगे तो क्या होगा 163, अब 0.86 का 0.86, ठीक है ना, और सब क्या था सेंटीमीटर में था कि मीटर में था, देख लेते हैं सेंटीमीटर में था कि मीटर में, तो सभी था सेंटीमीटर में, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में और आयतन क्यू में होता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीका से, ये समझ गए होंगे, ठीक है ना, ये जो बताए थे, इसी प्रकार सोचना है आप लोग को, हिसाब में कोई दम नहीं है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो फटाफट लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो फटाफट, जो सोचना क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 थी, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 14 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार काठ के टुकड़े को छीलकर, तो घनाकार काठ है, कैसे काठ है, तो घनाकार काठ है यानी घन है, यानी सभी उसका भुजा क्या है 14 है, ठीक है ना, और ठोस है, क्या है ठोस, यानी फिर आप लोग को लकड़ी लेना है घनाकार काठ जैसा, ठीक है, और कल्पना करना है कि हम घन ले लिए जिसका भुजा 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और उसको हम क्या कर रहे हैं, अब टुकड़े को छील कर, अब उसको हम छील रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बड़ी पास ले गए उसको छिलवा रहे हैं, और छिलवा कर हम क्या बना रहे हैं, एक बना रहे हैं क्या लंबवृत्तीय शंकु, यानी इस तरह हम शंकु एक ठो बनवा रहे हैं, कैसा था मेरे पास घनाकार काठ था, ठीक है ना, मेरा काठ कैसा था देखो यहाँ बनाते हैं, मान लो इस प्रकार आपके पास एक लकड़ी है, ठीक है ना, घनाकार, और उसको आप बढ़ी पास ले गए, घनाकार या ठोस लकड़ी है यानी खोखला नहीं है, तो उसको क्या करेंगे बढ़ी आपको छीलेगा, अब क्या बोल रहे हैं कि घनाकार जो घनाकार लकड़ी जो मेरे पास है जिसका भुजा 14 है, इसको क्या कर रहे हैं आप, बढ़ी पास ले गए उसको छिलवा रहे हैं, आप बोल रहे हैं इस तरह बना देने, तो बढ़ी क्या करेगा चारों तरफ से छिलेगा और इस तरह बनाएगा, तो इसी तरह सोचना है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है बृहत्तम लंबवृत्तीय शंकु बना रहा है, तो और देखो बड़ा शंकु बना रहा है, शंकु बड़ा कब बनेगा, जितना बड़ा इस घन का भुजा है उतना ही लंबा शंकु होगा तो बृहत्तम शंकु बनेगा, यानी शंकु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा घन के भुजा हो जाएगा, इतना तो आप समझ गए, आगे देखते हैं। तो और जिसका आधार एक फलक पर है, और ये जो आधार है ये क्या है फलक पर, यानी सभी भुजा को टच कर रहा है, सभी भुजा क्या कर रहा है टच कर रहा है, इस प्रकार क्या है फलक पर है, ठीक है ना, यानी शंकु का भुजा 14 तो शंकु का आधार का व्यास भी क्या होगा 14, क्योंकि दोनों साइड टच कर रहा है तो 14 होगा, और इसी पर हम बना रहे हैं बृहत्तम आकार का शंकु, यानी जितना
जितना बड़ा यह घन है उतना ही बड़ा बनाना है, तो दोनों का, तो घन का ऊंचाई 14 होगा, तो शंकु की ऊंचाई भी क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 14 होना चाहिए, इतना तो समझ गया। इसको छिलके बना रहे हैं, बड़े पास ले गए हैं, यानी शंकु की ऊंचाई कितना आ गया 14, शंकु का व्यास कितना आ गया 14, समझ गए क्यों आया है। और अब त्रिज्या कितना होगा 14/2, यानी कितना होगा 7, इतना आप लोग समझ गए। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि शंकु का आयतन और कुल परिक्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयतन, शंकु का आयतन, किसका आयतन, शंकु का आयतन। आप लोगों को सूत्र याद है ना, सूत्र नहीं याद है तो हम वीडियो डाल चुके कैसे याद करना है, सभी पूरा बुक का एक साथ जितना भी सूत्र होता है क्लास 10 में सब डाल चुके कैसे याद करना है देखें, और फिजिक्स में भी बहुत सारा हम डाल चुके हैं। तो आप लोग फोटो पर क्लिक करें, प्ले लिस्ट में जाएँ और देखें वीडियो को, एक से एक वीडियो आप लोग को मिलेगा। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h। तो सॉल्व करो, 1 का 1, 3 का 3, पाई का मान कितना 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना निकाले 7 × 7 × 7, क्योंकि दो बार है इसलिए, और एच, एच कितना हो गया 14, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, 7 से 7 क्या होगा, खत्म होगा, ठीक है ना, और कहीं कट रहा है, नहीं कटेगा तो गुना कर दो, 7 × 7 × 14 × 7 × 14 = 54 × 14/3। अब गुना करो, 54 × 14 करो कितना होगा, तो 4 × 16 = 5 × 20 और 21 × 4 = 6 हो जाएगा, 4 × 5 = 1 हो जाएगा, 6 × 4 = 5 6 × 5 = 11 2 कितना आ रहा है, 2 × 1 = 5 6। अब 3 से इसमें डिवाइड करो, जब 3 से आप इस डिवाइड करेंगे आप लोग 2 × 1 = 5 6 में 3 डिवाइड करेंगे तो 3 × 7 = 21 खत्म 5, 3 × 7 = 21 खत्म 5। अब 3 × 3 = 3 कितना बचेगा 2, अब फिर 6 उतारो, 3 × 8 = 24, 8 × 3 = 24 बचेगा कितना 2। अब इसको पूर्णांक में लिखना, आप लोग जानते हैं ना पूर्णांक में कैसे लिखाता है, जितना आया उसको आगे, जो नीचे में है उसको ऊपर, और जिससे भाग दिए वो नीचे, ठीक है ना, क्योंकि नीचे था तो नीचे ही रहेगा, जो जितना आया वो आगे लिखेंगे, जो नीचे था वो ऊपर चल गया, ठीक है। तो इस तरह इतना सेंटीमीटर क्यू आंसर हुआ, सेंटीमीटर में है क्या, हाँ सेंटीमीटर में, तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, इतना आप लोग का आयतन हुआ। अब बोल रहा है क्या, शंकु का कुल परिक्षेत्रफल पूछ रहा है, शंकु का कुल परिक्षेत्रफल, तो आप सूत्र अगर जानते हो शंकु का कुल परिक्षेत्रफल का, तो क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। तो चलो मेरे पास तो आर भी है लेकिन एल है क्या, क्योंकि कुल परिक्षेत्रफल में एल भी खोजता है, एल नहीं है, तो आप लोग जानते हैं कि एल कैसे निकाल सकते हैं, तो एल हम कैसे निकालते हैं, तो एल बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये शंकु में संबंध होता है आप लोग जानते हैं। तो आर कितना है 7 × 7² एच कितना है 14 × 14² 7² 49 14 × 14 बार पढ़ेंगे तो 196 होगा, ये दोनों को जोड़ दो तो 245 होगा, एल स्क्वायर बराबर क्या 245 सॉरी स्क्वायर के जो पार करेंगे तो रूट में हो जाएगा, तेल बराबर क्या 245√100। जब इसका बर्मून निकालिएगा तो आएगा कितना 15.6 आएगा इसका बर्मून, ठीक है। तो एल हमको पता चल गया। अब शंकु का कुल परिक्षेत्रफल क्या होता है, अभी हम बता चुके हैं, अगर याद नहीं तो जाओ पढ़ा सुना वीडियो देखो, शंकु का कुल परिक्षेत्रफल बताया था क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, और शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, वक्र परिक्षेत्रफल पाई आर एल, और कुल परिक्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब पाई का मान क्या होता है बताओ जल्दी, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7, आर का मान कितना है 7 प्लस एल, एल कितना है 15.6, सोल्व करो, 7 से 7 क्या होगा खत्म होगा, 22 का 22, 15 से 7 कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, 15 से 7 क्या होगा 15 × 7 = 22 हो जाएगा, 0.6 का 0.6 गुना करो तो बस यहाँ कितना होता है 484 होता है, तो 484 से कुछ ज़्यादा आना चाहिए, 484 से कुछ ज़्यादा आना चाहिए, तो गुना करेंगे तो आएगा कितना, आप लोग गुना करो 497.2, ये छतपल है तो छत पर लिखा था स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। समझ गए आप लोग अच्छा से, नहीं समझे तो बैक करके वीडियो फिर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है देखने आप लोग, जहाँ से हम सॉल्यूशन करना शुरू किए थे। चलो अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन, ठोस बेलन यानी समझ लो लकड़ी ले लो, और वो कैसा है, इस प्रकार आपका एक लकड़ी है यहाँ बना रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार एक ठोस लकड़ी ले लिए आप, ठीक है, और उसको आप ले जाएंगे आप किसके पास, बड़ी पास ले जाएंगे, बड़ी पास ले जाना जरूरी है तभी आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसको आपको डिजाइन निकालना है लकड़ी से, तो आपको बड़ी पास ले जाना पड़ेगा, इस प्रकार बड़ी है लकड़ी है, ठीक है ना, जिसका ऊंचाई कितना है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर,
ठीक है, एक ठोस है इस प्रकार, आप एक लकड़ी है जो ठोस है यानी बीच में खोल नहीं है, ठीक है ना, इसको ले गए और उसी ऊंचाई यानी जितना बेलन की ऊंचाई, उसी ऊंचाई और उसी व्यास यानी जितना बेलन का ऊंचाई है और जितना बेलन का व्यास है उतना ही व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यानी यहाँ पर आप बरही पहले गए और बोले थे क्या कि इसमें एक छेद कीजिए, ठीक है ना, मशीन द्वारा क्या करने लगा, छेद करने लगा इस प्रकार कि शंकु का आकार का छेद हो जाए, क्या हो जाए, शंकु का आकार का छेद हो जाए, यानी इस प्रकार आप छेद कर रहे हैं, यानी यहाँ से सब मटेरियल जितना भी यहाँ पर लकड़ी है सब मशीन द्वारा क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कैसा बन जाए, शंकु जैसा आकार बन जाएगा यहाँ पर, इतना समझे हैं। अब क्या बोल रहा है, तो बचे हुए ठोस का कुल परिच्छेद पर ज्ञात करें। जब इस प्रकार मशीन द्वारा बढ़ी यहाँ से पूरा लकड़ी निकाल दिया गया है, तो ऊपर से आप जब देखिएगा, इधर से ऊपर से देखिएगा तो शंकु आकार का नजर आएगा, ठीक है ना, शंकु आकार का नजर आएगा खोखला, तो पूछ रहा कि और यहाँ पर पूरा खाली हो गया मटेरियल, ठीक है ना, तो पूछ तो बोल रहा है कि इसका कुल परिक्षेत्रफल निकाल, तो बता दे कुल परिक्षेत्रफल जब भी पूछता है यहाँ पर पहले क्या हो गया, शंकु बराबर व्यास, यानी सॉरी शंकु और बेलन का ऊंचाई और व्यास समान है, यानी ऊंचाई दोनों का क्या है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास भी दोनों क्या है 1.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या दोनों क्या होगा इसका आधा 0.7 सेंटीमीटर, इतना तो समझ गए। अब देखो बोल रहा है कि इसका कुल परिक्षेत्रफल निकालना है, तो बताया था कुल परिक्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, जो आपको बाहर से जितना चीज़ दिखाई दे रहा है वही हुआ कुल परिक्षेत्रफल। अब अच्छा बाहर से देखिएगा, ऊपर से नहीं देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं, तो क्या हुआ, ये दीवार दिखाई देगा, बेलन का दीवार दिखाई देगा ना, तो दीवार क्या होता है, दीवार क्या होता है वक्र परिक्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल हमको दिखाई देगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिखाई देगा। अब ध्यान दो, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से तो ये खोल है, ये तो शंकु का, ऊपर से जब देखेंगे तो इस तरह हमको शंकु के आकार का खोल दिखाई देगा, शंकु का खोल दिखाई देगा, तो शंकु का ये दीवार दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ तो खोल है, यहाँ पर तो लकड़ी नहीं है, लेकिन शंकु का ये दीवार तो दिखाई देगा ऊपर से ना, इसका कल्पना करना है कि इसका खोल कर दिए हैं, तो इस प्रकार तो कल्पना, तो शंकु का तो दीवार दिखाई देगा ऊपर से हमको, और यहाँ पर तो लकड़ी नहीं है क्योंकि यहाँ पर खोल है तभी तो अंदर दिखाई दे रहा है, शंकु का दीवार भी दिखाई दे रहा है, तो शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल भी जोड़ना होगा, शंकु का कल्पना करो, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ऊपर वाला तो लकड़ी यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, लेकिन नीचे तो यहाँ पर बचा हुआ है, नीचे जो सतह है ये तो बचा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक सिर्फ नोक पहुँचा है, लकड़ी तो यहाँ से भागा नहीं है, तो नीचे जो वृत्त का क्षेत्रफल है यानी बेलन का आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है वृत्ताकार, आधार का क्षेत्रफल, ये कीजिएगा, हो गया। तो सिर्फ ये सब क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ ये सब क्वेश्चन में इतना ही सोचना है कि क्या क्या करें कि कुल परिक्षेत्रफल निकल जाए, सोचना है, ठीक है ना, और सोचना किस तरह प्रकार है, कल्पना करना है कि लकड़ी लिए हैं इस तरह की है, बढ़ी पाई ले जाके इस तरह की है, इस तरह की है, तो आप लोगों को फटाफट बनेगा। बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, शंकु का कुल वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है πRL, बेलन का आधार का आधार कैसा है वृत्ताकार, उसका क्षेत्रफल क्या होगा πR2। अच्छा ऊपर क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ लकड़ी निकल गया तो यहाँ पर तो लकड़ी बचा ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए ऊपर वाला वृत्त नहीं लिए हैं, ठीक है, इतना आप लोग समझे हैं। अब क्या करना है, अब कॉमन लेना है, अब सॉल्व नहीं करना है, अब कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन लेना है पहले, ठीक है ना, तो सॉल्व करेगा तो थोड़ा लंबा हो जाए, कॉमन लो, देखो इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, पाई कॉमन, इसमें भी आर, इसमें भी आर, इसमें भी आर, आर कॉमन, और सभी मिल रहा है क्या, इसमें एच तो इसमें एच नहीं, इसमें एल तो इसमें एल नहीं, नहीं मिल रहा है, तो पाई आर बाहर तो क्या बचा है यहाँ पर 2 और यहाँ पर एच, पाई आर बाहर तो यहाँ क्या बचा है एल, प्लस का प्लस एल का एल, यहाँ पाई एक ठो आर बाहर तो यहाँ स्क्वायर है तो एक ठो आर बच जाएगा, कितना, चलो फटाफट आप सोल्व करना है, ठीक है ना, फटाफट सोल्व करो, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकाले 0.7, 2 का 2, एच कितना है 2.4, प्लस का प्लस, यहाँ एक चीज़ दिक्कत क्या हो गया, एल चाहिए और एल मेरे पास है ही नहीं, तभी तो बताया था एल स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर कितना था 0.7 का स्क्वायर, एच कितना है 2.4 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 47.49, 0.49, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 गुना 24 करते हैं तो आता कितना 576, और 24 गुना 24 करेंगे इस तरह पर का गुना, आप दशमलव के करने जानते हैं ना, 2.4 × 2.4, दशमलव के बाद दशमलव एक अंक के बाद दशमलव दो अंक के बाद, दो अंक के बाद दशमलव देना है, इसलिए यहाँ पर भी हम दशमलव दो अंक के बाद दिए, तो एल स्क्वायर बराबर इतना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, दशमलव जोड़ जानते हैं ना, जोड़ लेना 625 आएगा, कितना आएगा 625 आएगा, दशमलव कितना दो अंक के बाद, अब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा रूट होगा, 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है, याद रखना 625 का वर्गमूल 25 होता है, दशमलव
दशमलव दे दिए। एल बराबर क्या हुआ 2.5, तो एल के मान आप रखो यहाँ पर 2 का 2, एच 2.4, 2.4 प्लस का प्लस प्लस है ये, एल कितना निकाल रहे हैं 2.5 और आर कितना है 0.7। ठीक है, अब फटाफट सोल्व करो, इस 7 0.7 को 7+10 बोल सकते हैं, तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, पॉइंट के वैल्यू हुआ ना, पॉइंट के बाद एक अंक था एक, 7 का 7 खत्म, तो यहाँ बच रहा है 22/10, अंदर करेंगे 24 2 48 यानी 4.8, प्लस का प्लस 2.5 का 2.5 प्लस का प्लस 0.7 का 0.7। अब सबको जोड़ दो 7 5 12 12 और 8 20 20 के 0, बाकी बचा 2, 0 और 2 2 ही होगा, 2 और 4 छः होगा, 6 और 2 बकिया 8, दशमलव सब में एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर क्या है ब्रैकेट है यानी गुना, 22/10 का 22/10, अब गुना करो 22 × 8 करेंगे तो 8 × 2 = 16, फिर 8 × 2 = 16 = 17। ठीक है, और नीचे 10 का 10, दशमलव बाद 0 मान नहीं होता इसलिए 0 हम नहीं लिए, ठीक है ना, और 10 से भागा दें दशमलव, तो यहाँ पर क्या है 1 0 तो एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, अगर यहाँ 2 0 होता रहता तो 2 अंक के बाद दशमलव देते, तो यहाँ पर 1 0 है तो भाग देंगे तो दशमलव 1 अंक के बाद आएगा। तो यही हुआ कुल परिक्षेत्रफल, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को लिखते हैं स्क्वायर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ कुल परिक्षेत्रफल, समझ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ कल्पना करना है, जो स्टूडेंट कल्पना करता है वही लोग से ये सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग से बना सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार हम एक बार बता चुके हैं, ठीक है ना, तो आप लोग कोशिश कीजिए बन जाएगा। चलो बता देते हैं, बोल रहा है क्या, उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन में से काटकर बनाया जा सकता है जिसका प्रत्येक किनारे की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये मेरा घन है और सभी लंबाई से क्या है सभी भुजा का 28 सेंटीमीटर है, क्या है 28 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है कि इसमें से बड़ा शंकु बनाना है, इसमें ये मेरा क्या है ठोस लकड़ी है, फिर समझो ये ठोस लकड़ी है, ठीक है ना, जिसका भुजा कितना दिया गया है, भुजा दिया गया है 28 सेंटीमीटर, ये ठोस लकड़ी है, इसको आप बढ़ी पास ले गए, अब बढ़ी को आप बोल रहे हैं क्या कि इससे एक डिजाइन निकालना है शंकु का ऐसा, ठीक है ना, अब शंकु उतना बड़ा निकालना है जितना बड़ा ये घन है, यानी शंकु का ऊंचाई यानी घन जितना बड़ा है, ठीक है ना, और बड़ा से बड़ा शंकु निकालना है, तो बड़ा से बड़ा शंकु जब निकालेंगे तो शंकु का आधार क्या होता है वृत्ताकार होता है, तो ये वृत्त जो रहेगा ये चारों भुजा से सट जाएगा, क्योंकि बड़ा से बड़ा बना रहे हैं तो चारों से सट के निकालेंगे। अब इसका ऊंचाई का अगर हम ले जाएंगे तो ऊंचाई कहाँ तक ले जाएंगे, जहाँ तक मेरा लकड़ी है, यानी जितना ऊंचा मेरा घन है उतना ऊंचा मेरा शंकु तक भी जाएगा, यानी जितना शंकु का व्यास हुआ उतना लकड़ी का भुजा का यानी किनारा लंबाई हो गया, जितना शंकु का ऊंचाई हो रहा है उतना ही शंकु के भुजा की ऊंचाई भी है, क्योंकि बड़ा से बड़ा बोल रहा है तो उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है ना, तो वो तब क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ, घन का किनारा बराबर शंकु का ऊंचाई, क्योंकि बड़ा बड़ा बन रहा है तो जितना बड़ा किनारा है, ठीक है ना, उतना ही बड़ा हम शंकु बना सकते हैं, और बराबर से बड़ा जब बोल रहा है तो उसका आधार हो जब लेंगे चारों भुजा सट के लेंगे, चारों भुजा सट के लेंगे तो जितना बड़ा व्यास उतना बड़ा भुजा होगा, यानी घन का किनारा बराबर शंकु का ऊंचाई बराबर शंकु का व्यास, व्यास भी क्या होगा उतना ही बड़ा होगा, तो घन का किनारा कितना है 28, तो शंकु की ऊंचाई कितना हुआ 28, शंकु का व्यास कितना हुआ 28, समझ गए क्यों 28 हुआ, बस इतना ही समझना है, बाकी तो इजी है। तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या हो जाएगा 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। अब बोला क्या आयतन निकालो, तो शंकु का आयतन क्या होता है सब जानता है, शंकु आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr² h होता है, 1 का 1 3 का 3 पाई का मान कितना है 22/7 आर 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 कितना है 14, तो 14 का 2 बार गुना करेंगे 14 × 14 एच कितना है 28, कितना है 28, 7 × 14। अब 3 से कटेगा कोई क्या, नहीं कट रहा है, तो सबको गुना करो फटाफट, गुना करो, गुना तो आप लोग कर सकते हैं ना, गुना तो हम नहीं करेंगे, गुना करो क्योंकि गुना हम करेंगे इतना लंबा तो टाइम पार होगा, ठीक है ना, 28 × 56 गुना 14 × 22 करो कितना आएगा जल्दी बताओ, 17 × 2 = 8 इतना आएगा, ठीक है ना, और 3 नीचे है तो नीचे 3, अब 3 से भागा दे दो, जो 3 से हम भाग दे रहे हैं इस प्रकार 3 से 1 7 2 4 8 में भाग देंगे, 3 5 15 बचा 2, फिर 2 उतारे 3 7 21 बचा 1, फिर 4 उतारे 3 6 12 बचा 2, अब 8 उतारे 3 9 27
बचा एक, कैसे लिखते हैं, पूर्णांक में बताए थे 5, 7, 4, 9 आगे, ठीक है ना। जो नीचे था वो नीचे ही, जो जो क्षेत्रफल में नीचे आया वो ऊपर, इस तरह लिखते हैं। आयतन निकाले हैं और सेंटीमीटर में सब है, तो आयतन होता है सेंटीमीटर क्यूब में, ये हुआ आंसर। तो आज हम पाँच ही क्वेश्चन सम्मिलित 6 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, क्योंकि 12 का 1, 12 का 2 6 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, वीडियो बड़ा हो गया है क्योंकि और क्वेश्चन भी दमदार था और समझाने लायक क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छा लगा फटाफट लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो फटाफट, क्या देख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स।